बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, जिससे तो उसी के साथ, और किसी की कोई परेशानी बीमारी तो अल्लाह पाक अपने कर्म से दूर कर दे और हम पर अपना खास रहम करम करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, यहाँ पर मैं चाश की नमाज़ अदा कर रही हूँ और रोज़ाना जो है मेरी आदत है, आप भी जो है कोशिश किया करें कि फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा भी जो है ना, इस नमाज़ की बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो 4 रकात नमाज़ पढ़ ले करें। वैसे जो है मैं 12 रकात नमाज़ जो है ना वो निफिल अदा कर लेती हूँ। तो मैं बाहर निकलने से पहले जो सन ब्लॉक क्रीम है ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसकी जो है ना बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं। आपको धूप की गर्मी से जो जो स्किन जो होती है ना, वो झुलस जाती है और ब्लैक ब्लैक जो है ना वो निशानात पड़ जाते हैं। हद तक कि आप अपनी चप्पल भी पहनते हैं ना कोई पट्टी वाली, तो ऐसी ही जो है ना स्किन जल जाती है। तो ये क्रीम जो है ना, आपको धूप की जो तेज़ शुआएँ होती है ना, उससे आपको महफूज रखता है। अपने हाथों पे, पैरों पे, और हल्का सा जो है ना फेस के ऊपर लगा लें अगर आपको ये चाहिए। बल्कि ये आपके पर्स में होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना एहतियात इलाज से बेहतर है। तो जब हमारी स्किन जल जाती है, उसके बाद हम अपने महंगी महंगी क्रीमें लगाते हैं, तो उससे काफ़ी दिन में जो है ना फ़र्क होता है। अच्छा, ये जो आप क्रीम लगाएंगे ना, तो तमाम जो भी है ना धूप के असरात होते हैं, उससे महफूज रखता है। तो उसका लिंक मैं दे दूँगी, अगर आपको मंगवानी है तो आप मंगवा सकते हैं। और इससे इसको लगाने से आपके स्किन पर ग्लो भी आती है और बहुत ही जो है ना आपकी स्किन महफूज रहती है। यहाँ पर हम लोग जो है अभी निकल गए घर से, तो घर से निकलते हुए सफ़र की दुआ ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। और ये हैदराबाद है हमारा, तो मैं दिन में जो है बहुत कम निकलती हूँ, क्योंकि दिन के अंदर बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो जा रहे थे नवाबशाह टूर पे, तो उन्होंने कहा कि तुम भी चलो साथ में। तो फिर मैं और तहसीन जो है ना, हम लोग अभी निकल गए, और आपको भी दिखाऊँगी मैं, आम के बागात में भी जाएँगे हम लोग। हम जा रहे हैं अभी जाएंगे हाला, उसके बाद जाएंगे नवाबशाह, नहीं आम के बागान में जा रहे हैं। उनके मामा बड़ी अच्छी अच्छी कैरी आई होंगी, और मेरे साथ जो है तहसीन है, ये भी हमारा बेटा है तहसीन की तरह। इससे पहले हम लोग गए थे आम के बागान में, मगर अभी जो है हम दूसरे बागान में जा रहे हैं, जो इनकी फ्रेंड का है आम का बागान। आप लोगों को भी साथ लेके चल रही हूँ, देखते हैं वहाँ पर केले के बागान है। एक बार हम लोग गए थे इनकी दोस्त के केले के बागान में, गए थे तो उन्होंने हमें पूरा केले का गुच्छा दे दिया था। एक बोलिए तो बड़ा खूबसूरत लगता है, वो गुच्छा ही कहलाता है ना पूरा। तो उन्होंने कहा कि इसको ना डीप फ्रीजर में रख देना, शॉपर में डाल दिया, और काफी सारे थे। तो फिर हमने काट के इसको डीप फ्रीजर में भी रखे, किसी ने कहा कि इसको कार्पेट लगा के रखो, किसी ने कहा कि इसको ऐसे ही रख देना, मगर किसी भी तरीके से वो पके नहीं। कार्पेट लगा के रखे वो भी गल गए, और डीप फ्रीजर में रखे थे वो भी सिर्फ ऊपर जो उसके वो हैंडल होता है ना केलों का, वो भी सारा गल गया था। तो वही कहते हैं ना, जिसका काम होता है वो ही कर सकता है। ये कितने अच्छे पकाते हैं वो बाजार वाले। मोहसिन गए थे साथ में, मोहसिन और हम नवाब से जा रहे थे ना, भाभी ने बोला केले के बागान में मुझे भी लेके चलो। अच्छा, रास्ते में वो तो ये भाभी गए यार, यारों को वो आगे रोक रहा था इसी गाड़ी। अच्छा, किसी के आम के बागान में मिनटों का, अब वो चलेगा अंदर जाके गाड़ी रोक दी, सन्नाटा बिल्कुल नहीं, तो सन्नाटा होता है यहाँ पे, जाना सही भी नहीं है। अब पीछे से 3-4 लाठियां लेके भागो क्या रहे वो कह रहे हैं चोर आ गए, चोर आ गए, केलिया तोड़ता है। मैंने बोला परवेज अब सबों के एक एक डंडा पड़ेगा। नहीं बाकी वो मारते हैं, हाँ वो तो शुक्र करो भाभी साथ थी ना, बच्चे साथ थे। फिर वो रुका है, भाई यहाँ से निकलो, निकलो यहाँ से निकलो। मोहसिन छोटा था, इसे बहुत छोटा था, पर स्कूल लेके आते थे ना, स्कूल से लेने आते। रोड बिल्कुल साफ पड़ा हुआ, रोड से आना चाहिए उसको बाकायदा, लेकिन वो मट्टी में से कचरों में से उठ पकवालता हुआ उछलता हुआ कूदता हुआ आता था शुरू से। वो मतलब ऐसी उल्टी सीधी जगह आता है, सीधी जगह पे नहीं, टेढ़ी मेढ़ी जगह पे। और छोटी छोटी स्लाइड होती है ना बाइक पे जाने के लिए, उनपे फिसलता हुआ आता था। अब दो नंबर में सीट इधर अंकल बैठे होते थे ना, ये देख अब ये वहीं से आएगा कचरे में से, पूरा रोड खाली पड़ा वहाँ से नहीं आ रहा, सब बच्चे वहाँ से आ रहा, वो अकेला कचरों से उठता। हमारे तहसीन भाई छोटे से थे बिल्कुल, तहसीन तो नहीं हुआ था मेरे हाल में, नहीं था छोटे से था मेरे हाल में, छोटे से था, अंबर नहीं थी, अंबर नहीं थी, एक अरसा हो गया, कितनी देर बिल्कुल हमारी ऐसा लग रहा है, तो हम थम गए
हम वहीं के वहीं हैं, ये बड़ा हो गया, ये ऐसा लग रहा है ये जादू से बड़ा हो गया, यकीन करो पता नहीं चल गोदों में लेने के आते था, अब ऐसा लग रहा हमारा वही स्टॉप हो गया और इसने फॉरवर्ड कर दी कुछ। मुजम्मिल भाई हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, जाओ अब आप कैमरा ले आप। सामने फार्म हाउस है हमारा, ये टोटल वाला पंप है इधर बराबर में, ये हमारा वेयर हाउस है। गर्मी कम होने की वजह से ये लेट हो गए, अच्छा अदरवाइज ये अभी रेडी होते। हाँ आपके थोड़ा लेट आई है ना गर्मी, तैसे कैरी नहीं खा रहा थोड़ा सा बड़ा होगा दशहरी, गोल गोल होगा, ये जूसी आम कहलाता है, जूसी आम। ये सबसे मीठा होता अभी ये यकीन करो, आम के बाग आते हैं और आपको अगर चाहिए तो होलसेल पे मिलेंगे, लेकिन दुश्मनों को नहीं मिलेंगे, सिर्फ ये दोस्तों को और अजीजा गार आपको नहीं मिलेंगे। बता रहे हैं आम की केरी है ये, तो क्या नाम है इसका, ये देसी देसी अचार वाली केरी है। काफी सारी वैरायटी होती है इसके अंदर, सबसे ज्यादा जो वैरायटी होती है ना वो आम में होती है, 100 से ज्यादा वैरायटी होती है आम के अंदर। मुझे तो ये कौन सा, देखो इसका पौधा अलग है, पत्ता इसका पत्ता अलग है, ये अगले साल पे देगा। अच्छा ये पक्का है ना, जो पक्की टारी होती है ना निकल जाते है, फूल निकल जाता है, ये अभी कच्चे है ना, ये अगले साल पे देगा। अच्छा ऐसी येलो से कलर की कहाँ होंगी, येलो नहीं है जो पक्की हुई होती है, अभी पक्की में लेते है, अभी मैंने मेरे ख्याल से एक महीने बाद भी पका रहेगा, अभी इसने पका ये कोयला भी नहीं पाला है, इतने अब कच्ची लग रही है। इनपुटों का सरदार वाली वो है अनवर रटोल, अनवर रटोल चाची, उसकी कैरी का टेस्ट कैसा होता है?
का ये रेट भी इतना अच्छा है। हैं अंगूर कोयल की आवाज आ रही है पानी से। मैंने इसको हैं कितने नीचे हाँ ये पानी की बोतल से मैंने ना मोबाइल को थोड़ा सा ऐसा किया ना तो फिर मोबाइल थोड़ा सही हुआ, हीटअप हो गया था मोबाइल बहुत ज़्यादा। मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। आज गर्मी जो है ना वो है कितने टेम्परेचर है 43 टेम्परेचर है मगर यहाँ पर बहुत ठंडा लग रहा है मुझे तो। मुझे तो नहीं लग रही गर्मी मगर मेरे मोबाइल को गर्मी लग रही थी वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया था। अभी हमें ये लेके जा रहे हैं अंगूर के बागार में, बड़ा अच्छा लगता है इस जगह पे आके। हैं पपीता और ये वो कितना प्यारा गेट बनाया है उन्होंने, ये देखो कितना अच्छा सा गेट बनाया है। ले जाएंगे क्या अंगूर की बेल है? हाँ अंगूर लगाए कच्चे हैं, गुच्छा है अभी कच्चे हैं ये इंशाल्लाह 1.5 से 2 महीने मेरे ड्यू जाएंगे। अच्छा अंगूर और हाँ ये फर्स्ट ये लगे माशाल्लाह हाँ ये लगे हुए अंगूर आगे चीकू भी लगे हुए। मतलब ठंडा कितना हो रहा है इसी में पक जाएंगे यहाँ पर ना। बिल्कुल बात है ना क्या भाई हमारे मुजम्मिल भाई हैं माशाल्लाह बहुत हमारे अच्छे दोस्त हैं और आज हम पहली दफा इनके मामा पर आए बाग में आए और बाग माशाल्लाह इनके हर एक चीज लगी हुई है। अंगूर भी लगे हुए हैं, चीकू भी लगे हुए हैं, आम भी लगे हुए हैं, पपाया भी है आगे। अच्छा पपीता होता है अच्छा पपीता पपीते भी लगे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा बाग बना हुआ है सर बेहतरीन। चीकू लगे इसी पेड़ की पके हुए चीकू हाँ अरे वाह ये लगे हुए चीकू सुभान अल्लाह। मेरे नंबर पे सर सावेद भाई का बिल चीकू लगे पेड़ के पके हुए होते हैं ना मीठे ज्यादा होते हैं। इसको कहते हैं ना वो अमरूद को जैतून बोलते हैं सिंधी में। सिंधी में जैतून बोलते हैं। ये अमरूद का पेड़ है मगर अमरूद है नहीं अभी सीजन खत्म हो गया अभी दोबारा आ रहा है ये अभी तो सीजन खत्म हुआ है लास्ट लग गया ना इसको अभी अच्छा देगा फ्रूट देगा ये आ रहा है अभी तो सीजन खत्म हुआ है इसका अभी दोबारा आया है। बड़े सिंह वाली छोटे सिंह वाली ये वो सारी है टाइम शॉर्ट था ना बहुत तो किसी दिन ना शाम को प्रोग्राम चार पाँच बजे वाला 5 बजे वाला प्रोग्राम बना है सेटअप करवा देंगे आपको यही करवा देंगे कोई इशू नहीं उसका इधर ही बैठ के बनाएंगे या कहीं आगे करके बनाएंगे कोई इशू नहीं। ठीक है सर पानी वाली होगा ये आपको जंगल में मंगल मिल जाएगा। आप एक दो दिन पहले मुझे बता दीजिएगा मैं हैदराबाद से आ जाऊँगा इधर बाकी सारी सेटिंग जो है ना आपको वो करके बनाएंगे।
आप खाएंगे नमक के साथ? पेड़ की पकी हुई की अलग ही बात होती है। तो हमें घर ले जाना चाहते मगर अभी हमें जाना नवाबशाह। इंशाल्लाह फिर किसी दिन प्रोग्राम बना के हम लोग यहाँ पर आएंगे। तो बहुत ही अच्छा लगे माशाल्लाह। चले नवाबशाह, कितनी खूबसूरत जगह है। अभी यहाँ पर हट बनाने का प्रोग्राम है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बीच सेंटर में हट बनेगी, फोर साइडेड ओपन बारबेक्यू सिस्टम वगैरह उसमें। कौन सा था, क्या क्या? चमोरा बोलते हैं उसको, जो थर में अक्सर होता है ना, थर में मोरकोट वगैरह में। अच्छा अच्छा, वो जो चटाई का इसका बना, तीनों का बना होता है घर सा। अच्छा हाँ, सही सही। हाँ, लकड़ियों का गोल गोल सा बना होता है। ठंडा होता है। अच्छा, गर्मी और सर्दी में गर्म होता, गर्म होता है। हाँ, वो साइड से ओपन होगा, वैसे बंद होता है, साइड से ओपन होगा, उसमें बारबेक्यू सिस्टम भी होगा और बैठने की जगह भी होगी पार्टी के हिसाब से। सही चलता है माशाल्लाह। जैसी पार्टी करना चाहे मुकिम भाई, वैसी पार्टी करेंगे हम। शोपीस है ना ये? ये है रियल से। रियल है? जी जी। अच्छा, ये रियल है, इसको केमिकल्स वगैरह लगाए हुए हैं। अच्छा, अगर वो होता ना तो खराब नहीं होता, और फार्मिंग लगती है इसके ऊपर। हाँ, ये कौन है? ये किसी, फिर वो बड़े बड़े लोग सारे ज्यादा कर आते हैं ना। मैम इसको फोकस करें, हम बहुत अच्छी पेंटिंग बनी हुई। ये किसकी है? ये फकीर की है। शोपीस बनाया हुआ शहर का, ये वाश बेसन लगा हुआ है। हम लोग बाहर आ गए अभी, और इन्होंने जो है ना यहाँ पर, ये क्या चीज़ है? अरे बड़े प्यारे से कबूतर है, ये बहुत खूबसूरत है, इतने प्यारे हैं माशाल्लाह। अरे क्या नाम है आपका? कबूतर? अरे नीचे भी बैठे हुए हैं। ये अलग है, ये अलग शक्ल के कबूतर हैं। जैसे ये कबूतर देख कितना प्यारा है, ये रहा छुप रहा है, ये रहा थी। हाँ, ये रहा ना, इसकी पिंक कलर की चोंच है, जबान निकली हुई है इसकी, वो पिंक कलर की इसकी आंखें। अरे मोर कहाँ चले गए? कहाँ भाग गए? ये अलग गमले हमारे पास थे। मेरी भी ऐसी कहना था, मैंने की चीज हमारी, देख मैं किसी की चीज। कहाँ है मोर? अच्छा उसमें चले, ये रहे मोर। अरे कहाँ छुप गए इंसानों से घबरा के, कहाँ गए भाई? उस साइड पे चले गए, आ नहीं रहे सामने। घबराते ही है। हेलो, चलो जी यहाँ से घूम फिर के हम लोग अभी जा रहे हैं नवाबशाह। और आगे भी कह रहे थे ले जाने की, मैं हम लोग ना देर हो रही है, हम लोग अभी जा सकते हैं, अभी काफ़ी टाइम हो जाएगा फिर इनको। तो हम लोगों को खाने के लिए काफ़ी फोर्स कर रहे थे, हम लोगों ने बोला नहीं हमें देर हो रही है, तो इन्होंने फिर यहाँ से ना ये बर्गर वगैरह मंगा के हमें दे दिए, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह दी, जिंगर बर्गर है। लो परवेश,
नहर भरी है, निकल गई नहर। ये पहले जब हम आए थे ये टूटा हुआ था ना, वहाँ से आते थे, कितना सन्नाटा हो रहा है दोपहर के टाइम में। अभी हैदराबाद में अभी वो रोड बना था वहाँ पे फिर इसकी तरफ सारा सब टूट फूट गया। ये याद है वो बनाते ऐसे इंडिया में सही कहता है खट्टा मीठा में सारे, अगर ऐसा रोड बना जाएगा तो ठेका दोबारा मिलेगा। ऐसा रोड बनाओ कि एक बार जान करके बनाते हैं, एक बारिश पे खत्म हो जाए बस। ये तो बारिश से पहले खत्म, बारिश से पहले खत्म। चले गए अभी मार्केट और यहाँ पर टेस्टी, और हम यहाँ पर आए थे सुकून होटल में, अभी भूख तो नहीं लग रही है। हमने चलो अभी थोड़ा बाजार का राउंड लगा के आते हैं, आपको भी दिखाते हैं यहाँ का बाजार कैसे। पहले मैं बहुत जाती थी यहाँ पर बाजार, तो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ले लेती थी मैं। मैं वहाँ ही जा रही हूँ अभी, हमने बोला अभी हम खाना नहीं खा रहे हैं पर जो है ना फिर थोड़ा बहुत खा लेंगे, ऑर्डर करेंगे। चलो बेटा अभी हम जा रहे हैं बाज़ार की साइड, और नवाबशाह भी मेरी काफ़ी सब्सक्राइबर हैं तो वो कहते हैं आंटी आप कहीं मिल जाए हमें रास्ते में। इत्तेफाक होता है कोई मिल जाता है, देखते देख गर्मी में कौन बाहर फिर रहा होगा। ये है नवाबशाह का बाज़ार, यहाँ पे बिस्तर बकस देखो कितने तो प्यारे प्यारे हैं। अच्छा इसमें कहता है चूहे वगैरह नहीं जाते हैं, रलियाँ हैं देखो ये लगाया हुआ है, कोई उल्टा नहीं आ रहा है फिर भी आ रहे हैं लोग। सवा दो इंडियन मिनिमम नहीं, वो एक मुड़ाई वाली भी तो थी, मुड़ाई वाली से बात तो अच्छी है, थोड़ी मजबूत भी है और अच्छी भी तो चल रही है। ये है चक्रा बाज़ार, पूरा गोल घूम के फिर जाएंगे तो ये चक्रा बाज़ार कहलाता है। वैसे तो हम इतनी गर्मी में नहीं आते कहीं, मगर ये है कि हवा चल रही है बाहर, मौसम अच्छा हो रहा है और ये चक्रा बाज़ार कहलाता है। यहाँ पे सारी चप्पल है बर्तन सब कुछ मिलता है, पूरा गोल घूम के जाएंगे तो ये चक्रा बाज़ार कहलाता है। ये नवाबशाह का मशहूर बाज़ार है चक्रा बाज़ार। धूप में लग रही है गर्मी, वैसे नहीं लग रही। ये चक्रा बाज़ार, हाँ एक उधर है सामने रेलवे स्टेशन है, हाँ सामने रेलवे स्टेशन है। चलो जी सामान रखे थोड़ा थोड़ा सामान, ये चीज़ें ना ये अच्छी मिलती हैं, मतलब अच्छी मजबूत होती है। ये झड़ जाते हैं अगर ज़्यादा कोई गिर जाती है ना चीज़ तो, भी ये लकड़ी इसको झड़ जाती है। अभी ये लोग पानी, ये लोग गए हुए अभी तक नहीं आए, हम लोग तो बाज़ार से घूम के आ गए। तो ये जार तो बड़ा खूबसूरत है, पिंक कलर का, गोल्डन पिंक कलर में जो है ना इसका एक कवर है और क्रीम भी अच्छी है इसकी, मैंने भी लगाई थी, क्रीम भी अच्छी है। यहाँ पे मैंने ना एक शेड लिया है लिपस्टिक का, अभी लिया मैंने शेड। अच्छा ये ना बड़ा प्यारा है, ये कैसा लग रहा है बताइएगा ये शर्ट, अभी मैंने लगाया। ये थोड़ा लाइट कलर अच्छा लगता है, और कौन सा है कॉस्मिक ग्रिल, अच्छा ये नंबर है इसका 33। ये कॉस्मिक गर्ल है,
एक घंटा से ज़्यादा हो गया हमें बैठे हुए और अभी तक ये लोग नहीं आए। अभी फ़ोन किया था कह रहे अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा और यहाँ पर हमें बैठे बैठे थोड़ी सी थकान हो गई। और भी लोग आ रहे, कई लोग आके चले रहे, मतलब अभी हमने ऑर्डर तो कर दिया, जब ये लोग आएंगे तब भी खाना लेकर आना। जब तो भूख नहीं लग रही थी मगर अब लगने लगी, क्योंकि अब जो है ना टाइम क्या हो गया दर्शन पूरा सवा छः बजे। तो कितने बजे आए थे भैया? पौने पाँच। क्या हो गया बाजार तो गए थे? बाजार के अरे बाजार आने के बाद पौने पाँच बजे बाजार आने के बाद मतलब डेढ़ घंटा हो गया आ गए। इतना टाइम लगा दिया तो लगता है मार्केट में बहुत चेंज किया भाई। खाना लिया ना आ गए हैं थोड़ा हरी चलो चला रहे हैं। बता रहा है शायद में क्या क्या डाला है इसमें और क्या है एक चम्मच में ना इसको टेस्ट कर रहा है इसमें सब करो पूरा जवाब सही देगा। उसी से बोल रहा था मैं चक्कर की उसकी मैंने बोला शायद तेरा सिलेंडर का आड़ आया 33 लगा दो तो बोला सीधी भी खड़ी कर दो पूरा 16 लगाया है। ओए कायदा यूनिवर्सिटी ये अपना तो लगा सारा ये यहाँ पर हाँ यूनिवर्सिटी का पूरी अच्छा कि बाहर भी अपना लगाया पूछ लिया ना एसी के आगे मैंने रख दिया ये ढक्कन बोतल का और इससे मैं इस तरह से ना क्यूज बना के खा रही हूँ। बहुत मीठा है खाना है किसी को खा रहा है। तो जी अभी नवाबशाह से हम लोग निकल गए और रास्ते में जो है ना हाला पड़ता है तो वहाँ पर हम लोग रुक गए थे चाय पीने के लिए। यहाँ की चाय बड़ी ज़बरदस्त होती है, आप जब भी आए ना यहाँ पर तो ज़रूर चाय पी के आप देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। पता नहीं क्या किस तरह बनाते हैं जो इतनी अच्छी जो है ना खुशबू आती है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है। और चाय के साथ बिस्किट ना होना तो मुझसे चाय नहीं पी जाती है। अच्छा जब भी आप चाय पिए कुछ ना कुछ ज़रूर चाय के साथ ले लिया करें, क्योंकि खाली चाय जो होती है ना वो आपके मैदे पर बुरे असरात छोड़ती है। तो चाय के साथ कुछ खाने से ना ये चीज़ नहीं होती। तो जी यहाँ पर मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।